आप कहते हो मदद करनी चाहिए, अब मैं रात को कभी नहीं जाऊंगा, तो भैया आपके रेस्टोरेंट में वो आया है, आज उसे उसने सुबह वीडियो डाला कि उन्होंने बिल नहीं दिया, कल तक तूने नहीं बताया तो तेरा झगड़ा हो गया, तो वीडियो तो वहां तो बिल का तो झगड़ा ही नहीं है, तेरे लिए बिल से झगड़ा तोड़ना हुआ है वहां पे, वहां इतनी भगदड़ मची तेरे रेस्टोरेंट की शिकायत, और वहां पब्लिक आई हुई जो रेस्टोरेंट में बैठी है उन्होंने 10 गिलास फोड़ दिए गुस्से में, क्योंकि आप उस महिला की मदद नहीं कर रहे थे, आप वहां गार्ड नहीं थे, तो आप वो पुलिस वो क्यों गिलास गिरा रहे हैं बच्चे, मैंने पूछा वो कौन थे, वो इसलिए गिरा रहे हैं स्टाफ को डांट रहे हैं कि भैया तुमने क्या किया, महिला के साथ बदतमीजी होगी, चाकू चला रहा है ये आदमी हमारे ऊपर, वो पुलिस के भी काबू नहीं आ रहा था वो क्या, फिर बाद में पुलिस ने मुझे बताया, मैंने पूछा कि उसको अरेस्ट किया छोड़ा क्यों, बोली ये साइकिक है और ये चाकू हाथ में था उसके, उसने वार किया घुमा रहा था अंधाधुन, पुलिस भी सामने नहीं आ पा रही थी, तो इन्होंने बड़ी मुश्किल से वो अकेला 10-5 लोगों ने काबू में किया उसको, सब क्लियर है। वो एक बीजेपी का नेता लिख रहा देखो ये डांस कर रहा है, तो क्लब में डांस नहीं करेगा तो क्या भजन कीर्तन करेगा, 23-24 साल का नौजवान क्या हो गया डांस कर रहा है, तो वो क्लब है ही डांस के लिए, मैं कब कह रहा हूँ डांस नहीं कर रहा, मेरे को ही दिख रहा है, भाई साहब आप थे क्या वहां पर, चाकू के सामने खड़े होकर किसी की जान बचाना सबसे मुश्किल काम है, उसको ऐसे व्यक्तियों को तो सम्मानित करना चाहिए, उल्टा चलाया, प्रताप सिंह का भतीजा होना गुनाह है क्या, प्रताप सिंह यदि कहीं सड़क पे कोई जुल्म होगा, मैं वही हूं जिसने उदयपुर की घटना के लिए कहा था कि कन्हैया लाल को जिन लोगों ने मारा, मैंने कहा था ना मीडिया में, तब मीडिया में उल्टा चला बाद में सीधा चला, कि मैं वहां होता तो ठोक के मार देता, क्यों कहा मैंने ठोक के मार देता, यदि मैं कन्हैया लाल के वहां से गुजरता और मैं उतर के उन दोनों से नहीं लड़ता और उनको नहीं मारता तो कैसे बचाता, आप किसी को पीटे बगैर किसी को बचा नहीं सकते, आपको उससे मुकाबला करना ही पड़ेगा, चाकू पकड़ना ही पड़ेगा, आपको दो उसके मारनी पड़ेगी नहीं आपके चाकू मार देगा, नहीं FIR तो दर्ज, वो देखिए वो रेस्टोरेंट मालिक को मजा आ रहा है, FIR तो दर्ज आप भी करा सकते हो, फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट, मैंने मना थोड़ा ना किया, मैंने वहां मेरे प्रभाव का इस्तेमाल किया क्या, मैंने मना किया, बहुत नेताओं की होती है FIR तक दर्ज नहीं होती, मैंने कहा पुलिस से कहा आप इसकी FIR क्या FIR दर्ज कराई उसने, क्या FIR दर्ज कर दबंगई दिखाई क्या किया ये बताइए, एक भी मेडिकल हुआ किसी होटल के स्टाफ के लगी क्या आप तो मुझे बताइए, खरोंच नहीं आई, खरोंच किसी के नहीं लगी, झगड़ा ही नहीं हुआ वहां पे, खरोंच नहीं आई, वो राजनीति कर रहा है, कितनी गलतफहमी, आज सुबह बयान डाल रहा है, मतलब वो जिन बीजेपी वालों के भरोसे खेल रहा है, तो मैं प्रेस के सामने खड़ा हूं, मैं छुप नहीं रहा हूं, और वो मेरा भतीजा भी यहीं पर है, मुकदमा दर्ज कराया उसने उस महिला के पति ने, कल वो महिला और वो पति दोनों गए थे वहां, CA है वो महिला पढ़ी लिखी, जयपुर में नौकरी करती है, और वो दोनों अस्पताल वहां गए थे, थाने इतने भले हैं, उस महिला से उस पुलिस वालों ने कहा कि ये लड़का इसके फादर ने भी इसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करा रखा, आप देख लो, तो बेचैन का ठीक है हमें मुकदमा दर्ज नहीं कराना, वापस फिर वो शाम को गया, पुलिस ने कहा आप आके मुकदमा दर्ज कराओ, क्योंकि वो नाटक करने के लिए होटल मालिक से कोई पूछे तेरा क्या क्या मामला है भाई, जबरदस्ती होटल में वो हर्षदीप तो तोड़फोड़ कर नहीं रहा, वहां जो पब्लिक बैठी हुई थी उन्होंने छोटी मोटी तोड़फोड़ कर दी, तो इस तरह के क्लबों में तो रोज होती है, गुस्सा आ जाता है, अब 11 बजे बाद कोई क्लब जयपुर में 11:30 बजे बाद नहीं चले, और ये जिस जो हरकत इस होटल मालिक ने की इसका मामला ही नहीं था, मामला चाकू निकालने वाले का उस महिला के पति के साथ हुआ था, और इसने ये पता चल गया कि प्रताप सिंह का भतीजा है, उसको इशू, हाँ उससे एक उसने उसको फोन किया था रात को, अब वो कह रहा, तो मैंने कहा रिकॉर्डिंग दिखा दे, उसने कहा भैया आपको यहाँ गार्ड रखने चाहिए कि नहीं नहीं बना आप भाई हो मेरे, बड़े प्यार से रात को बात कर रहा था, इतना मालिक बहादुर था तो रात को क्यों नहीं पहुंचा वहां रेस्टोरेंट में, पहुंच के अपने रेस्टोरेंट को संभालना चाहिए था, वहां वो हर्षदीप और वहां की पब्लिक बेचारी पुलिस को बुला रही है, अरेस्ट करवा रही है, एक जो चाकू चला रहा है खुलेआम महिला के पीछे भाग रहा है, उसके हस्बैंड के पीछे भाग रहा है, तमाशा हो गया वहां पे सारा, तभी तो वो गिलास फेंकते हुए कुर्सियां किसके ऊपर उठा रही है, पब्लिक वहां की जो भगदड़ दिख रही है वो उस लड़के के ऊपर उठा रही है, वो लड़का सामने वो लड़का है जो डर नहीं रहा उस भीड़ से, और वो हर्षदीप आप देखो पीछे पीछे चल रहा है, हर्षदीप मना कर रहा है नहीं नहीं अरे रहने दो, वो जो चिल्ला रहा नीचे वो मेरे भतीजे की आवाज है मारो मत, जब पुलिस आई तो पुलिस को मारने लग गया, तो पब्लिक उसको मारने लगे, बोले मारो मत, उसने उसको बचा के गाड़ी में बिठाया, उस लड़के को भी उसने बचाया है नीचे, क्या बात कर रहे हो आप, आवाज नहीं आ रही नीचे, आप सुनो तो सही उस आवाज को, कोई नहीं मारेगा कोई मत मारो, क्यों, क्योंकि वो समझता है उसका वो मेरा भतीजा, वो जानता है कि इसमें गलत हो जाएगा, उसने उसको लगने नहीं, उस लड़के को जिसने चाकू चलाया उसको भी उसने बचाया, उस होटल के स्टाफ उस होटल का स्टाफ उसका साथ दे रहा, उसको सिर्फ डांटा, होटल के स्टाफ को मारा नहीं है किसी ने, होटल वाले से ये पूछो तू क्यों नेतागिरी कर रहा है, आज वो कह रहा है पता नहीं क्या क्या ANI पर है,
आप मीडिया के लोग हो, आप मेरे मित्र हो, आप लोगों के कहने पर आधी रात को आके बाहर बयान देता हूं, कम से कम मेरे से तो पूछ लेते। मैं मीडिया के लोगों को अपना मानता हूं। प्रताप सिंह खाचरियावास बीजेपी कांग्रेस के हिसाब से जयपुर में पॉलिटिक्स नहीं करता। मैं जयपुर का बेटा हूं, बाहर निकल के लड़ता हूं। मेरी भी सरकार जब कह देती है कि जयपुर को दो जिले बनाए जाए तो मैं खुलकर कहता हूं जयपुर एक ही रहेगा। किसी पत्रकार की बात होती है, पत्रकार आते हैं तो बाहर निकलकर लड़ने के लिए आता हूं, तो किसी को बचाना गुनाह नहीं है। ऐसे बच्चों को इस तरह से ह्यूमिलिएट नहीं करना चाहिए। पूरी फैमिली के ऊपर क्या बीतती है जब ह्यूमिलिएट करते हैं? अरे कोई केस देगा, देखा जाएगा, मुकदमा होगा, जांच हो जाएगी। ना कोई मरा, ना कोई झगड़ा हुआ, ना चाकू लगा। तो चाकू निकालने वाले को भी बचा दिया, चाकू मार रहा था उनको भी बचा दिया, चाकू बरामद भी करा दिया, पुलिस में अरेस्ट भी करा दिया। उस हरदीप सिंह को इनाम तो कुछ मिला नहीं, बदनामी जरूर दे दी। अब और कोई बोलो अब तो क्यों? देखिए आप एक बात ध्यान रखना, प्रदेश की कानून व्यवस्था राजस्थान की सरकार, कांग्रेस की सरकार, यूपी से अच्छा हमारे यहाँ राज है। यूपी में बलात्कार की, रेप की, हत्या की ज्यादा घटनाएं होती। राजस्थान की कानून व्यवस्था यूपी से, हरियाणा से, एमपी से अच्छी है। अब भारतीय जनता पार्टी खुद का काम तो बताती नहीं है, उपलब्धि बताती नहीं है, बिना मुद्दों के राजनीति करती है। आरजीएचएस में और चिरंजीव में जो लोगों का इलाज हुआ है, लाखों लोगों का, उनसे पूछो, उनकी आंख में चमक है। काम हम कर रहे हैं। ये महिलाएं खड़ी, ये महिला क्लब आया यहाँ पे, ये पोस्टर का विमोचन करा रहा है। आप सब आइए, इधर आइए, आइए हेमेंद्र जी, आओ, ये महिलाएं खड़े, आओ सब आइए, महिलाएं आइए, आइए आइए, रोटरी क्लब की, ये हेमेंद्र जी रहे, बाकी इधर आ जाइए, बाकी अरे इधर आ जाओ, आ जाओ इधर, महिलाएं आदि, ये रोटरी क्लब की महिलाएं, मैं घर पे नहीं था तो ये यहाँ आई चल के। क्या महिलाएं सुरक्षित नहीं है? महिलाओं का दबदबा है राजस्थान। ये खड़ी रोटरी क्लब की महिला, ये हेमेंद्र जी रोटरी क्लब के सचिव है, ये लेडीज क्लब के अध्यक्ष, सब खड़ी है। अब ये लहरिया उत्सव मना रही है। इस विधानसभा के बाहर आके मैंने इतना सका मैं वहां मिल जाऊंगा, और पोस्टर का विमोचन करवा रही है। ये महिला सुरक्षा की बात कर रहे हैं, खड़ी है ना महिलाएं, कौन की महिलाएं डर रही है? राजस्थान की महिलाएं, यहाँ पे माँ बहन बेटी की तरह सम्मान मिलता है हर महिला को। ये राजस्थान की कानून व्यवस्था थी। बीजेपी के लोगों से कहूंगा कानून व्यवस्था को, बाकी सब कामों को कम से कम राजनीति से मत जोड़ो, सच के साथ हो। हमारा काम भी हमारे साथ है, राम भी हमारे साथ। बीजेपी ने आप ही की विधायक उठा रही ना सवाल को। हमारी विधायक ने दिव्या मदेरणा दिल से राजनीति करती है, और वहां जो उन्होंने जो मुद्दे उठाए हैं, वहां पे जो परिस्थिति है उसमें उनकी मदद सरकार करेगी, हम सब उनके साथ हैं। दिव्या मदेरणा एक सच्ची और एक फायरिंग लीडर है, उनका फ्यूचर अच्छा है, अच्छी लीडर है। ऐसे में वो अपने मन से राजनीति करती है। उन्होंने कोई बात उठाई है तो उस बात को हम सम्मान देंगे, और जो भी वहां पर कमी रही है कानून व्यवस्था में उसको ठीक करेंगे। उनके साथ पूरी सरकार खड़ी होकर, हम सब मंत्री खड़े होकर उनकी मदद करेंगे।